अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां सिमको के सारे गुलाम आजाद होकर भाग रहे होते हैं। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि वो आजाद हो गए हैं। अर्तुगरुल कहता है सिमको के आदमी आ सकते हैं, अभी आप सबको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद वो दोबारा भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आरिस का आदमी महालिस एक जगह अपने आदमी के साथ बैठा हुआ था और काफिलों से लूटा हुआ सोना गिन रहा था। इतने में एक आदमी आकर उसे बताता है कि मैंने अर्तुगरुल को देखा है। निहालिस कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, अर्तुगरुल तो कब का मर चुका है। वो आदमी कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो वही है, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। ये सुनकर महालिस उठकर चल पड़ता है। इसी दौरान सिमको भी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ अर्तुगरुल का पीछा कर रहा था। अर्तुगरुल आजाद होने वाले मर्दों और औरतों को लेकर भाग रहा था। इतने में महालिस छुपकर उसे देख लेता है और अपने आदमियों को कहता है मालिक गनीमत का सितारा हमारे ऊपर जगमगा रहा है, अब हमें असल इनाम मिलेगा। इतने में सिमको और उसके आदमी भी उस रास्ते से गुजरते हैं तो महालिस उनको भी देख लेता है और कहता है तो गुलामों के ताजर सिमको ने अर्तुगरुल को पकड़ा हुआ था, तुम फौरन जाकर आरिस को ये खबर बताओ कि हमने अर्तुगरुल को देखा है। गुलामों के ताजर सिमको ने उसे पकड़ा हुआ था और हम उसके पीछे जा रहे है। कई कबीले में हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के घोड़े के पास आकर कहती है मैं अर्तुगरुल की मौत को कबूल नहीं कर पा रही थी और तुमने वापिस आकर मुझे उम्मीद दिला दी है कि वो जिंदा है। दूसरी तरफ बहादुर सादुद्दीन के पास पहुंच जाता है। सादुद्दीन कहता है मैदान जंग के फतेह कमांडर बहादुर साहब खुश आमदीद। फिर बहादुर उसका हाथ चूमकर उसके साथ बैठ जाता है। सादुद्दीन कहता है मैंने आपकी बहादुरी के बारे में बहुत सुना है, आपने दुश्मनों की लाशें बिछा दी है। बहादुर कहता है कोई भी दुश्मन मेरे शिकंजे से भागने में कामयाब नहीं हो सका। सादुद्दीन कहता है बहुत आला, अब आप एक इनाम के हकदार हो, अब आप इसी इलाके में रिहाइश पजीर हो जाओ, आपके आने से चावेदार वाले मुतहिद और मजबूत हो जाएंगे। क्या आपने असलहान से बात की थी। बहादुर कहता है हाँ की थी, मैंने जिरगा बुलाने का कहा था लेकिन उसे ये ख्याल अच्छा नहीं लगा। सादुद्दीन कहता है आपको जल्दी करनी होगी, हमें और भी जरूरी काम मिलकर करने होंगे। बहादुर पूछता है क्या काम करने हैं अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है कई कबीले का दुनदार हनली बाजार बेचना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि वो बाजार आप खरीद लो। बहादुर कहता है माफ करना अमीर हजरत लेकिन मेरे पास इतना सोना नहीं है। सादुद्दीन कहता है परेशान मत हो, आपके लिए हर चीज तैयार है मेरे साथ। फिर वो अपने आदमी को इशारा करता है तो वो सोने के सिक्कों वाला संदूक बहादुर के सामने रख देते हैं। सादुद्दीन कहता है ये सोना आपका है, आप इस सोने से बाजार खरीदने की पेशकश करोगे। बहादुर सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है लेकिन मेरी कुछ शरायत है। बहादुर कहता है हुक्म करे अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है आपको चावेदार कबीले का सरदार बनना होगा और फिर हाकिम आला बनने के लिए हर चीज करोगे, अब आप मुझे बताए बगैर एक कदम भी नहीं उठाओगे। इसके अलावा आपको असलहान खातून और तुर्गुत अल्फ की शादी को किसी भी कीमत पर रुकवाना होगा। बहादुर कहता है मैं समझ गया अमीर हजरत। दूसरी तरफ काराजेसर किले में एक दरवाजे पर कागज लगा हुआ था जिसके ऊपर आरिस के नाम एक पैगाम लिखा हुआ था। दो सिपाही वो देख लेते हैं और उसे उतार कर फौरन आरिस की तरफ भागते हैं। अंदर आरिस अपने कमांडरों के साथ मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहा था और तुर्कों को तबाह करने के तरीके बता रहा था। इतने में दो सिपाही अंदर दाखिल होकर उसे वो पैगाम वाला कागज देते है। आरिस उसे पढ़ने लगता है, उस पर लिखा था अर्तुगरुल हमारे पास है और वो जिंदा है, हमने उसके जख्मों को ठीक कर दिया है और हम जानते हैं कि उसके सिपाहियों को तुमने कत्ल किया था। मैंने अर्तुगरुल को तुम्हारी शनाख्त नहीं बताई, अगर तुमने मेरा मुतालबा पूरा ना किया तो उसे और सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि वो तुम थे जिसने अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया था। ये पैगाम सुनकर आरिस सख्त गुस्से में आ जाता है और अपने खास कमांडर लूकस को पकड़ कर नीचे गिरा देता है और कहता है ये कैसे मुमकिन है कि अर्तुगरुल जिंदा है। लूकस कहता है ये सब कुछ झूठ है जनाब, आपने खुद उसके जनाजे में शिरकत की थी तो ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है। अर्तुगरुल जिंदा है, जाओ पता लगाओ कि ये किसने किया है, सब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर सारे कमांडर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आरिस सख्त गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें कत्ल किया था अर्तुगरुल, तुम कैसे जिंदा हो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और बाकी लोग एक नहर के पास पहुँच गए थे, सब पानी पीने लगते है और कहते हैं हम बहुत थक चुके हैं, हमें कुछ आराम कर लेना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है आराम करना बहुत खतरनाक होगा, जल्दी करो,
हमें आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान आरिस का आदमी महालिस भी अपने साथियों के साथ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ सिमको भी अपने आदमियों के साथ आ रहा था। पानी पीने के बाद अर्तुगरुल और बाकी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हनी बाजार में हकीम अर्तुक से एक आदमी मिलता है जो खुफिया अंदाज में अपनी शिनाख्त कराता है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद वो आदमी हकीम अर्तुक को एक खत देता है। ये इल साहब ने आपकी तरफ भेजा है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। खत देकर वो चला जाता है। फिर हकीम अर्तुक खत पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, हमने अर्तुगरुल साहब के बारे में सुना है। इस इलाके के बारे में हमें कुछ अहम मालूमात मिली है। आप कई कबीले का ख्याल रखो और उन्हें अपने मकसद से हटने मत देना। मैं भी जल्द वहाँ आऊँगा। खत पढ़ने के बाद हकीम अर्तुक कहता है, लाजमी कोई अहम मसला है कि इल साहब यहाँ आने वाले है, खुदा खैर करे। इसी दौरान सादतीन भी हनली बाजार में पहुँच चुका था और दुनदार से पूछता है, क्या तुमने बाजार के बारे में बात की थी? दुनदार कहता है, हाँ मैंने वालदा और बाबी से मशवरा किया था। वो आरिस को बाजार नहीं भेजना चाहते, लेकिन हम जिरगा बुला रहे हैं और आखिरी फैसला वही होगा। सादतीन कहता है, अगर आप बाजार बेचना चाहो तो और भी खरीदार आ सकते हैं। दुनदार कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम बाजार बेचकर यहाँ क्या करेंगे। सादतीन कहता है, क्या इस इलाके में रहना जरूरी है? आप लोग अपने बाईस मुर्तकिन और गुंडुगदू के पास क्यों नहीं चले जाते? बाजार बेचकर आपको जो सोना हासिल होगा उससे आप अपने कबीले को खुशहाल कर सकते हो और फिर अपने भाइयों की तरफ हिजरत कर सकते हो। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो आपको इस बाजार की कीमत दे सकता है। दुनदार पूछता है, कौन है वो? सादतीन कहता है, जानदार साहब का भाई बहादुर। वो अभी अभी जंग से वापस लौट कर आया है और बहुत सारा माली गनीमत साथ लाया है। अगर आप चाहो तो बाजार उसे बेच सकते हो, वो मुसलमान भी है। दुनदार कहता है, आप सही कह रहे हैं अमीर हजरत, लेकिन पहले मुझे जिरगे के लोगों को मनाना होगा। दूसरी तरफ लूकस अंदर आकर आरिस को बताता है कि महालिस ने एक पैगाम भेजा है। उसने और उसके आदमी ने अर्तुगरुल को देखा है और वो उसके पीछे है। अर्तुगरुल को ताजिर सिमको ने जिंदा रखा हुआ था। आरिस सख्त गुस्से में कहता है, फौरन अर्तुगरुल को मेरे पास लेकर आओ, मुझे वो मुर्दा या जिंदा चाहिए। ये सुनकर लूकस बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद आरिस कहता है, तो ताजिर सिमको ने उसे अपने पास रखा हुआ था, मनहूस मारिया। ये कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कई कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। दुनदार सबसे मुखातिब होकर कहता है, आप सब बाजार के हालात के बारे में जानते हैं। बाजार वीरान हो चुका है और काफिलों को डाकुओं से बचाना नामुमकिन हो गया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि बाजार को बेच दिया जाए। ये सुनकर कुछ लोग इस फैसले की मुखालफत करते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि ये सही फैसला है। फिर हकीम अर्तुक कहता है, ये बाजार हमने खून देकर हासिल किया था, आप इस बात पर भी गौर करें। ये सुनकर सब जिरगे के लोग इस बात पर रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर हलीमा कहती है, बाजार बेचने का मकसद है कि हमने अर्तुगरुल साहब की मकसद से पीठ फेर ली है। दुनदार कहता है, मैंने जो भी किया है वो कबीले की बेहतरी के लिए किया है, अगर मेरा भाई जिंदा होता तो वो भी ऐसा ही करता। बाजार बेचकर हमें जो सोना मिलेगा उससे हमारा कबीला बहुत खुशहाल हो जाएगा। ये सुनकर जिरगे के लोग रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर हैमा खातून भी दुनदार के फैसले को दुरुस्त कह देती है। एक आदमी कहता है, बाजार बेचकर हम यहाँ क्या करेंगे? दुनदार कहता है, हमारा यहाँ रहना जरूरी नहीं है, अब वक्त आ गया है कि कई लोगों को दोबारा मुतहिद कर दिया जाए। बाजार बेचने के बाद मेरे ख्याल में हमें समुर्तकिन और गुंडुगदू भाई के पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर हैमा खातून समेत सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग शोर मचा देते हैं और कहते हैं, ये हमारा वतन है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? हलीमा सुल्तान भी बहुत हैरान थी। दूसरी तरफ सिमको और उसके आदमी अर्तुगरुल के सामने पहुंच जाते हैं। सिमको कहता है, तुम क्या समझते थे कि मुझसे भाग जाओगे अर्तुगरुल? तुम मेरे सबसे कीमती गुलाम हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए हथियार फेंक दो। अर्तुगरुल कहता है, मैं इस दुनिया में किसी के आगे भी हथियार नहीं डालूंगा। ये सुनकर सिमको अपने आदमियों को कहता है, पकड़ लो इसको। अर्तुगरुल अपने साथियों को कहता है, तुम सब लोग भाग जाओ। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कई कबीले में जरगा जारी था। हकीम अर्तुक कहता है, अब ये मसला अर्तुगरुल साहब के मकसद का है, बाजार बेचकर इन जमीनों से वापस जाना अर्तुगरुल साहब के मकसद से पीठ फेरने के बराबर है। ये सुनकर जिरगे के लोग उसकी बात से रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर हकीम अर्तुक कड़ा होकर कहता है, अब हमें एक और जिरगा बुलाना होगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। हैमा खातून कड़ी होकर सबको खामोश कराती है और हकीम अर्तुक से पूछती है,
इसलिए अर्तुक साहब, हकीम अर्तुक कहता है, नए सरदार के इंतखाब के लिए हमने दुंदार साहब को इसलिए मुंतखब किया था ताकि ये अर्तुगरुल साहब के मकसद को आगे बढ़ा सके, लेकिन अब ये उनके मकसद से पीठ फेरना चाहते हैं। इस सूरत में इनकी सरदारी जायज नहीं रही। ये सुनकर दुंदार गुस्से में कहता है, ये क्या कह रहे हो अर्तुक साहब, क्या आप जरगे के आदमियों के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? हकीम अर्तुक कहता है, मैं नहीं बल्कि आप ऐसा कर रहे हो दुंदार साहब, आप अर्तुगरुल साहब के मकसद के खिलाफ जा रहे हो। फिर हैमा खातून कहती है, चले फर्ज किया हमने जरगा बुला लिया है, क्या आप में से कोई दुंदार की जगह सरदार बनना चाहता है? हकीम अर्तुक कहता है, अर्तुगरुल साहब के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस कबीले का सरदार बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। हैमा खातून भी हैरान परेशान हो जाती है। इतने में निहालिस और उसके आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सिमको और मेहालिस के आदमी एक दूसरे को मार रहे थे। इसी दौरान अर्तुगरुल को बाजू में दर्द हो जाता है तो वो वहाँ से भागने को तरजीह देता है। अर्तुगरुल को भागते हुए देखकर मेहालिस के आदमी उसके पीछे भागने लगते हैं, जबकि सिमको अपने आदमियों को पीछे हटने को कहता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक कहता है, अगर जिरगा ना बुलाया गया तो मैं इसे रिवायात के खिलाफ वर्जी समझूंगा और अपने साथी आदमियों और सिपाहियों के साथ दुंदार साहब के हुक्म को नहीं मानूंगा। दुंदार कहता है, आप कबीले का सुकून खराब करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं, मैं हमारी रिवायत के मुताबिक जिरगा बुलाऊंगा। फिर हलीमा सुल्तान कहती है, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए और हमारे कबीले के लिए बेहतर होगा अर्तुक साहब। ये सुनकर दुंदार और हैमा खातून हैरान हो जाते हैं। हल्दी बाजार में सादुद्दीन अली को से पूछता है, इस बाजार के ताजरों के क्या हालात है? अली को कहता है, जो लोग कारोबार करना जानते हैं उनके लिए ये मुनाफा बख्श है अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, अब से तुम यहाँ मेरी आंखें और मेरे कान हो और मुझे मालूमात देते रहना। अली को कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। फिर सादुद्दीन उसे जाने को कहता है। काराजेसर में मारिया अपनी कमरे में बैठी हुई थी। इतने में आरिस वहाँ पहुँचता है। मारिया कहती है, मैं आपके तोहफे देखकर सोच रही थी कि कौन सा तोहफा पहनूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आरिस उसे गले से पकड़कर पीछे ले आता है और कहता है, बताओ सिमको ने तुम्हें मेरे हवाले क्यों किया है? बोलो वरना मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश दीवारों के बाहर फेंक दूंगा। मारिया कहती है, मैं समझी नहीं कि आप क्या कह रहे हो। मैं एक गुलाम थी, आपने मुझे बचाकर मुझे नई जिंदगी दी है। आरिस कहता है, मुझे बताओ कि तुम अर्तुगरुल के बारे में क्या जानती हो? मारिया कहती है, मैं किसी अर्तुगरुल को नहीं जानती। सिमको का एक आदमी है जिसका नाम एंटियोस है। मैंने उससे सुना था कि उसे एक तुर्क मिला है जो मरने वाला है और वो उसके जरिए बहुत सारा मुनाफा कमाना चाहते थे। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। आरिस कहता है, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है मारिया। फिर आरिस उसे छोड़ देता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। मारिया बेहोश हो जाती है। ये देखकर आरिस अपने सिपाही को बुलाकर कहता है, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। और इसी के साथ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।
Thank you.
Oh,
हूँ।